राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। आज हम बनाएंगे संतरे के जूस से छेना यानी कि रसगुल्ला स्पंज। ये देखिए, ये 1 किलो मैंने जूस निकाला है ताजा संतरे का। और ये चीनी है, ये अरारोट पाउडर है जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं इसको। और ये 2 लीटर दूध है गाय का, इसी से हम बनाएंगे, इससे हमारे छेने बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए दोस्तों, आइए पहले हम दूध को उबालते हैं। ये गाय का दूध है, इससे हमारा छेना बहुत सॉफ्ट बनेगा। देखिए दोस्तों, दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है फुल आंच पर, है ना। उबाल आने तक दोस्तों हम इसको तेज आंच पर ही रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसको चला चला के गर्म करेंगे दूध को, ताकि दूध पे मलाई ना पड़े, नहीं तो छेना हमारा खराब हो जाएगा। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। ये देखिए, अब हम इसको आंच गैस बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा दूध जो है हाई टेम्परेचर से कम हो गया है। हमने 3 मिनट इसको ऐसे चला चला के ठंडा कर लिया। अब हम इसको फाड़ कर इसका छेना बनाएंगे। और छेना बनाने के लिए हम डालेंगे आज ऑरेंज जूस। ये देखिए दोस्तों, ये ऑरेंज जूस है। अब हम इसमें डालेंगे, उतना ही डालेंगे जब तक छेना हमारा फट नहीं जाता। देखिए दोस्तों, ये देखिए दूध हमारा फटने लगा है। ये देखिए, ये छेना, ये देख रहे हैं आप, ये छेना बनने लगा है। अभी थोड़ा इसको और चलाएंगे और इसमें अभी थोड़ा सा ऑरेंज जूस और पड़ेगा, दूध और छेना और पानी दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसको एक सूती कपड़े में छानेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमने नीचे भगोना रखा है, या कोई कटोरा ले ले भगोना, और ये छन्नी है उसके ऊपर ये हमने सूती कपड़ा लिया हुआ है डबल करके। अब हम इसको छानेंगे छेने को। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा छेना हमने छान कर अलग कर लिया है दूध से। अब हम इसको ठंडे पानी से धोएंगे। ये देखिए, और कितना सॉफ्ट हमारा छेना बना। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब हमको इसे हाथ से दबाते हुए इसका पानी सारा निकालना है, ताकि जब हम इसको मैश करें तो उसमें पानी ना रहे। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें से पानी निकलना बंद हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसको मैश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने छेना का पानी है, ये हमको फेंकना नहीं है। हम इससे आटा गूंथ सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, और इससे सब्जी में भी डाल सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है। चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा छेना, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों,
ये हमारा छेना अच्छी तरह से हमने हाथ से दबा दबा कर निचोड़ लिया था, ये कुछ इस तरह से हो गया। बहुत ही मुलायम हमारा छेना बना है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। चलिए दोस्तों, ये हमारे 2 किलो दूध का छेना है। अब हम इसमें अरारोट पाउडर मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। देखिए दोस्तों, हमने इसमें 2 चम्मच लगभग अरारोट पाउडर मिलाया है। अब हम इसको ये हथेली से यहाँ से इस इतने हिस्से से इसको मिलाएंगे चिकना होने तक। हम पहले इसमें अरारोट पाउडर मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ इस जगह से मिलाएंगे इस तरह से। चलिए दोस्तों, अब हम छेना बाद में मैश करेंगे। पहले हम छेना पकाने के लिए चाशनी बनाने रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, लगभग 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाला है और अभी गैस बंद है। मेरे यहाँ सब लोग कम मीठा खाते हैं, इसीलिए मैं इसमें कम चीनी मिलाऊंगी। आप लोग जैसा मीठा खाते हो अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। चलिए, उधर चाशनी हमारी पक रही है, अब हम इधर छेने को मैश करते हैं। ये देखिए इस तरह से कितना हमको मैश करना है। ये देखिए दोस्तों, हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं अपने डो को बनाने में। ये देखिए, और इसकी बनने की यही पहचान है। ये देखिए दोस्तों, ये हथेली पे चिकना चिकना लग रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से लगेगा देखने में, देख रहे हैं आप। ये देखिए ऐसा चिकना चिकना इसने अपना घी छोड़ दिया। अब हम क्योंकि संतरे के छेने बना रहे हैं तो हमको इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालना पड़ेगा। आपकी इच्छा है तो आप डालें, ना इच्छा हो तो आप ऐसे भी। देखिए दोस्तों, ये ऑरेंज फूड कलर डाला है क्योंकि हम संतरे के जूस को चाशनी में डालकर बनाएंगे और उसी से हमने दूध को फाड़ा था। अब हम इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। चलिए अब हम छेने के लिए गोलियां बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कहीं से भी क्रैक नहीं है इसमें, इसका मतलब छेना हमारा अच्छी तरह से तैयार है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसी तरह से सारी गोलियां तैयार करेंगे। ये देखिए, कोई भी क्रैक नहीं है। देखिए दोस्तों, ये हमारे सारी गोलियां बनके तैयार हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आज हम संतरे के जूस से बनाएंगे, तो इसमें अब हम जूस डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, बस इतना ही जूस डालेंगे। ये देखिए, अब हमारा चाशनी अच्छी तरह खुल जाए फिर हम इसमें छेने डालेंगे। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करना ना भूलें। और इधर हमने पानी चढ़ाया है क्योंकि हमारी चाशनी बीच बीच में गाढ़ी होती जाएगी तेज आंच पे खोलने की वजह से, तो अब हम इससे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर जरूरत के अनुसार डालेंगे। चाशनी बन चुकी है, अब हम इसमें से थोड़ी चाशनी लेके फ्रीजर में रख देंगे ठंडी होने के लिए, ताकि हम जब अपने इसमें छेने डालें तो उसके बाद इसमें शेप हमारे छेने का जैसा बनेगा वैसा ही रहेगा। और इस वाली चाशनी में हम छेने पकाएंगे। चलिए अब इसमें देखिए हमारा छेना अच्छा बना है, इसीलिए देखिए वो फूल कर ऊपर आने लगा। अब इसमें एक एक करके बीच में सभी छेने डालेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारे छेने पक रहे हैं तेज आंच पर। अब हमें इन्हें कम से कम 20 मिनट तक पकाना पड़ेगा इसी तरह से। चलिए इसके ऊपर झाग आने देते हैं ताकि हमारे छेने अच्छे से पक जाएं। चलिए दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने छेनों को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारे छेने पहले से ज़्यादा फूल कर डबल होने लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब इनको थोड़ा सा पलट देते हैं बहुत हल्के हाथ से, इसमें कुछ चम्मच लगे नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं आप पहले से फूल के डबल हो गए हैं। ये देखिए, ये अभी इनको और 5-10 मिनट पकाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब 25 मिनट हो गए हैं हमारे छेनों को पकते हुए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए एकदम रुई की तरह सॉफ्ट। और इसकी पहचान आपको मालूम क्या है? हम जब इसको गर्म पानी में डालेंगे तो ये पानी के अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए ये नीचे बैठ गया, मतलब हमारा छेना पक्के तैयार है। अब हम गैस को बंद करते हैं। देखिए दोस्तों ये वही चाशनी है जो हमने फ्रीजर में रखी थी। अब हम इसमें अपना एक एक रसगुल्ला आराम से ऐसे उठाएंगे, हल्के से इसमें डालेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमने ठंडी चाशनी में अपने रसगुल्ले निकाल लिए हैं, और अब हम इनको 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही ठंडी चाशनी में रहने देंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए अब हम इनको हमारे रसगुल्ले सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए आप चाहे तो इसमें पिस्ता डालें या बादाम से डेकोरेट करें, काजू लगाएं, केसर लगाएं। देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से बनेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिए मेरे चैनल घर की रसोई को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को आज की ये संतरे के बने हुए रसगुल्ले कैसे लगे। धन्यवाद।